जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फॉर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC GD 2018 के जो SSB के कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनके ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहे। उनको मैंने कितनी बार समझा दिया है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, लेकिन उनको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली कि उनके साथ क्या हो रहा है। यही होता है क्योंकि आप न्यू आपने अपॉइंट हुए हैं, आप जाने वाले हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं। फैमिली के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितना टाइम फैमिली के साथ जितना टाइम व्यतीत करना चाहते हैं व्यतीत कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा फौज में कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकें। तो ये आपके पास अच्छा चांस है कि अपने फैमिली के साथ रहिए, होली वोली मनाइए। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। SSC GD 2018 के जो SSC के कैंडिडेट है, जो SSB के कैंडिडेट हैं उनके लिए, देखिए मार्च के लिए मैंने बोला था मार्च 15 तारीख तक आपके आ जाएंगे, लेकिन अब न्यू अपडेट आई है, वो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो तीन दिन में SSB कांस्टेबल GD के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो न्यूज ये है कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो 2-4 दिन में ही इशू होने वाले हैं। 15 तारीख से पहले ही वो इशू हो जाए, आपके ज्वाइनिंग लेटर वहां से इशू होंगे और आपके घर तक पहुंचेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं आप। हाँ दोस्तों, ये किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो 15 मार्च से पहले आ जाएंगे। अगले हफ्ते में, 15 मार्च तो बहुत दूर की बात है, अगले हफ्ते में ही आ जाएंगे। और ये आने के बाद आपके ऑनलाइन भी आप इसको निकाल सकते हैं। जो SSB की वेबसाइट है उस पे आपको हाईलाइट हो जाएगा कि आपके ज्वाइनिंग लेटर यहां से डाउनलोड करें, तो वहां से भी आप अपने ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी और आई थिंक सो, जैसे मेरे बात चली है, पता चला है कि आपको मेल भी आ सकते हैं। अगर आपका मेल वहां पर रजिस्टर्ड है तो अगर उन्होंने जैसा उनको सहूलियत लगी तो शायद आपको वो मेल भी कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि एक तो आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 15 मार्च से पहले, मतलब अगले ही हफ्ते, 2-4 दिन में या 5 दिन में ही आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू होने वाले हैं। सबको बटालियन अलॉट हो गई है, सब कुछ आपका हो गया है। अगर आपको जानना है और कुछ, तो अपना रोल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं कुछ मदद करने की कोशिश करूंगा। दूसरा थिंग ये है कि जैसे आपके अगर कॉल लेटर नहीं आते, कुछ बच्चों का था कि भाई मेरे कॉल लेटर नहीं आएंगे, मेरा डाकिया नहीं देगा, तो आपके लिए भी बता दूं कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो ऑनलाइन भी आप अपने निकाल सकते हो। उसके जो इंक्लोजर होंगे वो भी उसके साथ अटैच होंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगी ये सारा कुछ आपका उस ज्वाइनिंग लेटर में आपका होगा। एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये कि अगर आपका जो परफॉर्मा होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या आपका जो अदर OBC का है, ST का है या दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। SSB जो मांगेगी आपको उसी के अकॉर्डिंग देने पड़ेगी, अपने फॉर्मेट नहीं चलेगा। दूसरा थिंग ये कि आपको टाइम, जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है या कुछ भी है उसको टाइमिंग दिया जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा उसको नील दिखाइए या आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो बताइए। तो आप पे दो ऑप्शन रहेंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो आप पे डाउट रहेगा कि यार इन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं बताया ज्वाइनिंग टाइम पे, तो ये आपको बताना पड़ेगा। आगे आपके जो ज्वाइनिंग के टाइम पे बैंक की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों की कि सर बैंक अकाउंट का जो है वो SBI में खुलवाएं, कहाँ खुलवाएं, यहीं खुलवाएं या वहां पे खुलवाएं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो बैंक के जो ओपन करना है वो आप अपने घर से करा के जाइए। एक तो वो हो गया, सिंगल ज्वाइंट होगा, डबल ज्वाइंट होगा, ये कुछ नहीं, आप SBI में जाइए, वहां पे अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। उसके बाद अगर आप किसी वजह से अपना अकाउंट यहाँ पे घर पे नहीं खुलवा पाते हैं और वहां पे आप अपने घर पे नहीं खुलवाते हैं, तो आपके पास दूसरा मौका ये होगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि SSB का ये रूल है कि वो बटालियन में ज्वाइन नहीं कराती है, पहले वो बटालियन में ज्वाइन कराती थी, लेकिन अब क्या करा रही है, अब वो करा रही है ट्रेनिंग सेंटर TCS में ज्वाइन। तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे वहां पे आपको जो आपकी ज्वाइनिंग कराने वाले आएंगे, जहां आपकी यूनिट अलॉट होगी, तो यूनिट से आपको ज्वाइन कराने के लिए आएंगे, एक अपॉइंटमेंट ऑफर और अपॉइंटमेंट वहां से भी निकलेगा। तो जो बंदे वहां से आपको ज्वाइन कराने आएंगे वो आपको पॉसिबिलिटी आपका ओपन अकाउंट वहां पे भी कराएंगे। अगर मान लो आपका ट्रेनिंग सेंटर सपड़ी में खुला
तो जो बंदे सपड़ी में जाएंगे ये आएगा, आपका अकाउंट वहां पे ज्वालाजी में खुल जाएगा या नियर बाई जो बैंक है वहां पे खुल जाएगा। परेशानी क्या आती है बच्चों की, परेशानी ये आती है उसके बाद कि आपके जो अकाउंट है वो ज्वालाजी मान लो सपड़ी में खुल गए, आप रहने वाले हैं लखनऊ के, तो आपका वहां से क्या ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं उसको उन बच्चों को बता दूं, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो जो ट्रांसफर करा सकते हैं SBI का अकाउंट ऑनलाइन ही, अब जरूरत नहीं है कि आप वहां पे जाएं बैंक में और वहां पे फिजिकली विजिट करें और वहां से अपना अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कराएं। एक तो ये हो गया, दूसरा आप हो जाएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद अगर आप वहां का SBI ब्रांच का जो मैनेजर है उनका नंबर लेंगे और उनसे बोलेंगे कि सर मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरे साथ ये परेशानी आई थी, मैंने ये किया था, मैंने ज्वालाजी में अकाउंट खुला लिया था इस रीजन से, ड्यू टू ये रीजन, तो आप बताएंगे उसको अपनी समस्या बताएंगे, तो वो हैंड टू हैंड आपका जो अकाउंट है आपकी होम ब्रांच में ट्रांसफर कर देगा। आपका क्लियर डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक मैं ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, क्योंकि कल है संडे और मैं अधिकतर आपके ये कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी परेशानी है, प्रॉब्लम है, आपकी जो भी क्वेरी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको मीटअप करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे उसकी मैं पढ़ूंगा, जो जो अच्छे होंगे, जो जो लगता है कि और बंदों के लिए, और बच्चों के लिए बेनिफिशियर हैं, तो मैं उन कमेंट्स को लूंगा, उनके साथ मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा, उसको अपने सोल्यूशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो टाइप कर लीजिएगा, ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज हम जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपकी कोई जानकारी चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को डाल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के जो कमेंट जरूरी होंगे, जो दूसरे बच्चों के लिए अच्छे होंगे, मैं उन कमेंट्स को लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।